हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। सो मैं जितेंद्र यादव आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक कोर्स, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट स्टार्ट करने का रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि हम लोग कंपिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम जितना से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी हमें रहेगा कंपिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस कोर्स में हम जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे के सारे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इस तरीके से एक ये भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हम लोग यहाँ से इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये कोर्स समझाऊंगा, और इसके साथ ही साथ आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में उसमें दे सकते हैं। हम लोग जो अपने डेली बेसिक कोर्सेज के जो डेफिनेटिव और जो हम लोग जो मैं डिस्क्रिप्टिव वाला कोर्स एक जो लेता हूँ उसमें मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगा। इसके साथ ही साथ हम लोग जो भी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे उनको तो देखेंगे ही, साथ में उनके ऑप्शंस के बारे में भी समझेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन उससे हटके थोड़ा भी आता है तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो अगर ये आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स को और अपने कलीग्स को जो भी आपके साथ में उनको भी आप बोलिए कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अब जल्दी से अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी वेट्स? ये 4 वेट्स, 8 वेट्स, 12 वेट्स और 16 वेट्स। तो वन निबल जो कि 4 वेट को होता है, तो इसका क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 4 वेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स। कंप्यूटर रेजोल्यूशन क्या करता है? साइज ऑफ स्क्रीन, स्पेस, शेप ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ कलर्स इट सपोर्ट्स। तो इसका आंसर है सी, नंबर ऑफ पिक्सल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस? पीएचपी, जावा, ओरेकल और असेंबली। पीएचपी, जावा, असेंबली ये सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, तो आप लोग इसका आंसर जो कि है ऑब्वियस है वो है ओरेकल, ओरेकल के डेटाबेस आते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4, ULSI microprocessor is used in which generation of computer? Second generation, third generation, fourth generation, fifth generation? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फिफ्थ जनरेशन। ये हम लोगों ने अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स के लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज यूनिप्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मल्टी प्रोसेसर। ये भी हमारे SSC के 2010 में इसको पूछा गया था, और ये नीचे वाला भी, ये 6 क्वेश्चन भी 2011 या 10 में पूछा गया था। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो उसके हमें पता होना चाहिए कि वो किसने कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर बोला जाता है। तो जॉन मैकार्थी, विंटकर्व, डेनिस रिची, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग, डेनिस रिची, ये सब आप जानते हैं। डेनिस रिची ने सी को बनाया था, जेम्स गोसलिंग ने जावा को। तो इसके आंसर्स, अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो आप अगर हिट भी करेंगे तो इनमें से कोई एक करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 7, एन इंटेलिजेंट टर्मिनल हैज ए हैज ए माइक्रो प्रोसेसर बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाई द यूजर। क्वेश्चन ऑप्शन बी, कैन प्रोसेस स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स विद द यूज ऑफ लार्ज CPU। सी, इंटरेक्ट विद यूजर इन इंग्लिश, कैन नॉट टेक डेटा फ्रॉम द यूजर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, हैज ए माइक्रो प्रोसेसर बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाई द यूजर। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें, बट इसको प्रोग्राम नहीं कर सकता यूजर, मतलब उसको आप उसको खुद कोई यूजर प्रोग्राम नहीं कर सकता है, मतलब टर्मिनल को। तो क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन BPS, MIPS, बॉड और हर्ट्ज। सो
सो द करेक्ट आंसर इज MIPS, हर्ट्ज नहीं होगा इसका आंसर। आप लोग देखते होंगे प्रोसेसर्स की स्पीड लिखी रहती है GI, गीगाहर्ट्ज में होती है 2.1 2.4, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, MIPS, दैट इज मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, दैट मीन्स मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो जितने आते हैं उससे कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सी लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सो ये हमने पढ़ा है पहले भी। सो सी लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, तो आंसर इज B। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स आई होप दे रहे हैं, और आप लोगों को कुछ भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स दीजिए, तो जिससे कि हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 10, ए ग्रुपवेयर इज हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। तो ग्रुपवेयर होता है एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इसको, तो ये ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। तो आप ध्यान रखिए ग्रुपवेयर जो कि एक कोलैबोरेशन के साथ बनता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर है ये। तो इसका आंसर है C, सॉफ्टवेयर। ये सारे क्वेश्चन SSC में पूछे गए हैं, RBI में पूछे गए हैं, कुछ UPSC में भी आए हैं, तो आप इनको बहुत ही अटेंटिवली समझिए और इनको आप अटेम्प्ट करिए। आप यहाँ पे अच्छे से करेंगे तो आप इजिली इनके, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, और आप उन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें इजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम ए CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू, ऑप्शंस इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडर्म्स, कंप्यूटर पोर्ट्स। तो इसका आंसर कंप्यूटर पोर्ट्स नहीं हो सकता, इसको आप समझ लीजिए। कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल किसी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आते हैं, तो कंप्यूटर पोर्ट्स नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑप्शन हिट भी करेगा ना तो यही करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, इंटरफेसेस। मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं जो कि काम करती हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज M कॉमर्स। सो ऑप्शंस आर मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स। तो आपने ई कॉमर्स तो सुना होगा, लेकिन एम कॉमर्स नहीं सुना हो मे बी, तो आप इसका आंसर जो समझेंगे जो है वो है ऑप्शन B, मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल के कॉमर्स को एम कॉमर्स बोलते हैं। सो आप लोग आई होप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दे रहे हैं। अगर लाइव दे रहे हैं तो लाइव समझिए, अगर नहीं हो लाइव नहीं देते हैं तो बाद में कमेंट में आकर हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इसको अटेम्प्ट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से पक्के से आपके किसी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे उसमें पक्के से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, बोथ हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, ओनली रोमन सिस्टम। तो ये बहुत ईजी है, ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, 0 1 ये सब होते हैं डिजिटल सर्किट्स, ऐसे समझते हैं। तो इसका आंसर है B, बाइनरी सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है SSC के 2013 में। सो A, डेजी व्हील प्रिंटर, सेकेंड इज इंकजेट प्रिंटर, C, बबल जेट प्रिंटर और D, लेजर प्रिंटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसका आंसर जो है वो है A, डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 15, ए टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, फिजिकल डायमेंशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल, साइज ऑफ पिक्चर ट्यूब। सो क्वेश्चन नंबर C तो बिल्कुल ही बेकार है, मतलब ये तो मतलब आप सोचिए भी नहीं। कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, कितनी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं वो, उससे टेलीविजन चैनल कैरेक्टराइज होती है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज करेंटली नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही इजी है। ऑर्कुट, बायो कोटन, कोक्टन, B, मार्क जकरबर्ग, C, बिल गेट्स, मार्टिन कूपर। तो इसका आंसर है B, मार्क जकरबर्ग।
क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। आप बताइए सबसे पहला मार्केट में जो कंप्यूटर लैपटॉप आया था वो किससे आया था? एचपी, ह्यूलेट पैकर्ड एंड बी एप्सन, सी लैपलिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, डी माइक्रोसॉफ्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एप्सन ने सबसे पहला लैपटॉप निकाला था। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ गूगल अल्फाबेट। गूगल अल्फाबेट का करेंट सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी, बी सत्या नडेला, सी सुंदर पिचई, डी शांतनु नारायण। सो ए जैक डॉर्सी ये ट्विटर के सीईओ हैं, बी सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, शांतनु नारायण ये एडोबे के हैं, बट सी सुंदर पिचई ये गूगल के हैं, जो अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर या उसके एक दो साल पहले बने थे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट ए स्पीड डिफरेंशियल। सो मेमोरी बफर को क्या बोलते हैं जो कि अकोमोडेट करता है स्पीड डिफरेंशियल को? कैशे, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर और डिस्क। सो एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर होता है एक रजिस्टर जो कि आपका जो मिडिल में जो आपके भी कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे 4+5=9 होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर्स का यूज होता है। सो कैशे होता है वो मेमोरी होती है जो कि बहुत ही फास्ट होती है, तो कैशे, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर, ये मेमोरी का पार्ट होता है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ए, कैशे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ईज़ टू अवॉइड डिटेक्शन फ्रॉम एंटीवायरस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में, इनके ऑप्शंस के बारे में भी हमें समझना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ईज़ टू अवॉइड डिटेक्शन फ्रॉम एंटीवायरस, इसमें से कौन है जो चेंज होता रहता है अपने एंटीवायरस से बचने के लिए? तो ट्रोजन हॉर्स, पॉलीमॉर्फिक वायरस, लॉजिक वॉर्म और वॉर्म। सो लॉजिक वॉर्म बॉम्ब क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब होता है कि वो लॉजिकली अपने कुछ एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक एप्लीकेशन ऑफ कोड है, कोड है, पीस ऑफ कोड है जो कि ना लॉजिकली आपके कंप्यूटर में डला होता है, जिससे जब भी वो लॉजिक फुलफिल होता है तो वो कुछ ब्लास्ट कर देता है, दैट मीन्स कुछ ऐसा कुछ कर देता है कि आपके सिस्टम में क्रैश हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है। लाइक आप समझ लो कि अगर मान लो मैं कंपनी में काम करता हूँ और अगर मेरे को मैंने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया कि अगर मेरे को निकाला मेरी कंपनी से, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे जितने भी फाइल्स हैं, अपनी जो पर्सनल फाइल्स हैं, उनको डिलीट कर दूंगा। तो वो एक लॉजिक बॉम्ब की तरह एक ही पीस ऑफ कोड है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये एक, इसकी रियल आइडेंटिटी हमें पता नहीं होती, मतलब डिसेप्शन का काम करता है ट्रोजन हॉर्स। ये एक स्टोरी, ग्रीक की स्टोरी आई थिंक थी, ग्रीक की एक स्टोरी ऑफ ट्रॉय ऐसा कुछ नाम से है, तो जिसमें ये जो ट्रॉय जो सिटी थी ना वो डिस्ट्रॉय कर दी थी एक ट्रोजन हॉर्स ने, हॉर्स से, तो उससे इंस्पायर होके ये वायरस आया जो डिसेप्टिव होता है, इसकी रियल आइडेंटिटी पता ही नहीं चलती है। एंड वॉर्म तो ये सिंपल एक कोड होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पॉलीमॉर्फिक वायरस। सो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पॉन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। स्पॉन मतलब अपने को डुप्लीकेट, इसमें से कौन सा वायरस या फिर आप कौन सा यूज करता है उस मैकेनिज्म को? ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, कीस्ट्रोक लॉगर और लॉजिक वॉर्म। तो इन सबको तो हम समझ चुके हैं, वॉर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वॉर्म। सो कीस्ट्रोक लॉगर क्या होता है कि आप जो भी की प्रेस करते हो तो उसकी लॉगिंग होती रहती है, आपने क्या ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, सी प्रेस किया, तो इसकी लॉगिंग होती रहती है, ये हम लोग एक पीस ऑफ कोड सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं। सो ये तो थे सारे क्वेश्चन एंड आंसर, तो आई होप आपको ये सेशन सही से अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको हमें, उसके जरिए हमें पहुंचा सकते हैं, हम उसको उस पर ध्यान देंगे और आपके जो भी कंसर्न होंगे उसको सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे।
तो आई होप अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।